Hello student, today we are going to see our 16 number lesson Young Scientist number 1. ऐसे आपके सिलेबस में आफ्टर दिवाली भी एक यंग साइंटिस्ट का लेसन है, उसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में एक मीन्स छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया गया है और ये है आपका बिफोर दिवाली का या फिर यूनिट 2 में जो दिया गया है वो लेसन नंबर 16 यंग साइंटिस्ट, इसीलिए उसको नंबर भी 1 दिया गया है। ओके, देखिए हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, इट्स लुकिंग लाइक मैजिक, हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ मैजिक की तरह होता है। ओके, बट ऐसा नहीं होता, हर चीज़ के पीछे साइंस होता है और इसी से विदाउट एनी रीज़न कोई भी चीज़ नहीं होती, तो किसी चीज़ के पीछे साइंस भी होता है, वो आज हम समझ लेंगे। यहाँ पे दो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं इस लेसन में और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप घर पे भी करके देख सकते हो और आपको करना ही है। ओके, सो ओपन द पेज नंबर 34 एंड टेक नोटबुक एंड पेंसिल ऑल्सो। ओके, हम देखेंगे अभी लेसन। सी, इफ वी ऑब्जर्व द थिंग्स अराउंड अस केयरफुली समटाइम्स वी गेट टू सी सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, दे सीम लाइक मैजिक ट्रिक्स व्हेन पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड देम। सी, कभी कभी हमारे सराउंडिंग में या हमारे ऑब्जर्वेशन में ऐसी चीज़ें आती हैं जो कुछ अलग सी ही हमें लगती हैं और हमें ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग मैजिकल ट्रिक्स। कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग्स ऐसी होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये हुई कैसे है। ओके, देन दे सीम लाइक मैजिक ट्रिक्स व्हेन पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड देम, उसके पीछे का रीज़न क्या है ये लोगों को पता ही नहीं होता, या ये चीज़ें होती कैसे हैं इसके बारे में पता ही नहीं होता और उसको मैजिक समझ बैठते हैं लोग, या फिर उसका रीज़न पता ना होने की वजह से उसको मैजिकल ट्रिक्स जो है ऐसे समझ बैठते हैं। बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, किसी ना किसी चीज़ के पीछे साइंस होता है, एक रीज़न होता है, इसीलिए वो चीज़ें होती हैं। देन हियर आर टू इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट फॉर यू दैट अपीयर टू बी मैजिक, व्हेन यू स्टडी साइंस दे विल फाइंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ट्रिक्स। जब आप साइंस की बड़े होकर स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर में सीखनी है और उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो भी साइंस में आपको सीखने को मिलेगा। देन हियर आर टू इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट फॉर यू, आपके लिए यहाँ पे दो ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो आपको मैजिकल ट्रिक्स की तरह या मैजिक की तरह तो लगेंगे, बट देन दैट अपीयर्स टू बी अ मैजिक व्हेन यू स्टडी ऑफ साइंस देन यू विल बी फाइंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो दिया गया नहीं है, बट कुछ मैजिकल ट्रिक्स हैं जो आप अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो या एक गेम की तरह भी आप खेल सकते हो। तो हम अब देखेंगे वैसा एक्सपेरिमेंट, उसमें आपको करना क्या है। और वैनिशिंग ट्रिक्स, वैनिशिंग मीन्स व्हाट, टू डिसअपियर सडनली, सडनली मीन्स अचानक वहाँ से गायब हो जाना या फिर ना दिखना। ओके, और वैनिशिंग ट्रिक्स ऐसे इस एक्सपेरिमेंट्स का नाम है, तो उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा और वो आपको कैसे कैसे करना है ये सब कुछ हम देखेंगे। सी, व्हाट यू नीड, इसके लिए आपको किस किस किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम पहले देखेंगे। वाटर, अ फ्यू पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर एंड अ ग्लास, द ग्लास शुड हैव स्मूथ साइड्स। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको क्लीन वाटर लेना है एक जार में, देन अ फ्यू पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर, और अलग अलग कलर के आपको पेपर लेने हैं या फिर आप बीट्स ऑफ पेपर भी ले सकते हो, पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों की हमें ज़रूरत होगी। एंड देन अ ग्लास, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है आपको, कांच का ग्लास लेना है, देन द ग्लास शुड हैव स्मूथ साइड्स,
उसकी साइड्स जो है वो स्मूथ होने चाहिए, क्योंकि हमें उसमें जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ग्लास का स्मूथ साइड्स होना ज़रूरी है, उसकी जो साइड है वो स्मूथ होना ज़रूरी है, उस पर हमें कुछ भी डिज़ाइंस नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है ताकि हम हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो इजीली कर सके। ओके, इन तीन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। देन आपको करना क्या है, व्हाट यू डू, आपको करना क्या है, सी प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर ऑन द टेबल। इस तरह से कुछ कलरफुल पेपर या बिट्स ऑफ पेपर आपको टेबल पे रखने हैं। देन पुट द एम्प्टी ग्लास ऑन द टॉप ऑफ द पीसेस। उसके बाद आपको एक एम्प्टी ग्लास जो है वो उसके टॉप पे रखना है। पहले आपको इस तरह से बिट्स ऑफ पेपर लेने हैं, कलर्ड पेपर लेने हैं। पुट द कलर्ड पेपर, फ्यू पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर ऑन द टेबल एंड आफ्टर दैट सी इट इज़ द स्मूथ ग्लास एंड देन पुट द एम्प्टी ग्लास ऑन द टॉप ऑफ द पीसेस। और उस पेपर के पीसेस पे या उस कलर पेपर पे आपको वो ग्लास रखनी है। देन आपको क्या ऑब्जर्व करना है, देन यू कैन सी द पीसेस क्लियरली थ्रू द ग्लास। ग्लास में से आप जब देखोगे तो वो पेपर के जो पीसेस है, कलर पेपर के जो पीसेस है वो आपको क्लियरली दिखेंगे। पहले आपको उसमें कुछ भी डालना नहीं है, ऐसे ही आपको उस पीसेस पे, कलर पेपर के पीसेस पे ग्लास रखना है और ऐसे ही देखना है तो आपको उस ग्लास में से वो कलर्ड पेपर जो है वो दिखेंगे। बट देन उसके बाद क्या करना है, स्लोली एंड केयरफुली पोर वाटर इनटू द ग्लास टिल इट इज़ फुल। बाद में आपको स्लोली और केयरफुली उसमें पानी भरना है। उसमें पानी भरने के बाद मीन्स फुल वो ग्लास आपको पानी से भर देना है, पानी क्लीन होना चाहिए। देन कैन यू सी द पीसेस नाउ, दे हैव वैनिश। बाद में आप देखो क्या आपको वो पीसेस या कलर्ड पेपर के जो टुकड़े हैं वो दिख रहे हैं, आपको नहीं दिखेंगे, दे हैव वैनिश, वो गायब हो गए। ओके, इट इज़ द मैजिक ट्रिक, नो ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके पीछे भी साइंस है। जब आप उसमें पानी भरोगे तो आपको वो कलर्ड पेपर नहीं दिखेंगे, बट वो वहाँ से गायब वगैरह नहीं हुए, उसके पीछे भी साइंस है। देन लीव द ग्लास केयरफुली, यू विल सी दैट द पीसेस ऑफ पेपर आर स्टिल देयर। और आपको अगर डाउट आता है तो आप वो पानी का ग्लास जो है वो उन पेपर पे से हटा दीजिए, उठा दीजिए, तो आपको वो बिट्स ऑफ पेपर या कलर्ड पेपर के जो टुकड़े हैं वो वही के वही दिखेंगे। ओके, बाद में आप फिर से वो ग्लास जो है वो उस पेपर पे रख दीजिए तो आपको वो नहीं दिखेंगे। ये सब कुछ करने में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा और ये सब कुछ करने में हमको मज़ा भी बहुत आएगा, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देखना है। देन लीव द ग्लास केयरफुली, यू विल सी दैट द पीसेस ऑफ पेपर आर स्टिल देयर। ग्लास उठाने के बाद आपको दिखेगा कि पेपर्स जो है वो जैसे कि वैसे वहीं पे ही है, कहीं गए नहीं, बट जब हम फुल ग्लास ऑफ वाटर वहाँ पे रखते हैं तब हमें वो पेपर जो है वो बीट्स ऑफ पेपर नहीं दिखते। देन पोर आउट द वाटर एंड प्लेस द ग्लास ऑन टॉप ऑफ द पीसेस, दे आर विजिएबल। बाद में उस ग्लास में से पानी जो है वो निकाल दीजिए और एम्प्टी ग्लास जो है वो उस पर रख दीजिए और बाद में देखिए तो वो आपको दिखेंगे। ऐसा आप एक दो बार करके देखिए। देन फिल द ग्लास विथ वाटर अगेन टू मेक द पीसेस ऑफ पेपर वैनिश। बाद में एक बार फिर से वो ग्लास भरिए, पानी से पूरा वो ग्लास भर दीजिए और भरा हुआ या फुल ग्लास जो है पानी से भरा हुआ वो उस पर फिर से रख दीजिए तो आप देखोगे कि पेपर जो है वो नहीं दिख रहे हैं, वो कलर्ड पेपर वहाँ से गायब हो गए ऐसा हमें लगता है। बाद में फिर से आप पानी निकाल सकते हो और एम्प्टी ग्लास जब आप उस पर रखोगे तो आपको वो दिखेंगे।
ये आप अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देखिए, आपको मज़ा आएगा और अपने फ्रेंड्स को दिखाने में भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना मीन्स अच्छा होता है, इससे हमें एक्सपेरिमेंट करने की हैबिट भी लगती है। देन फिल द ग्लास विथ वाटर अगेन टू मेक द पीसेस ऑफ पेपर वैनिश। नोट दैट इफ यू पुट द पीसेस ऑफ पेपर इन द वाटर इन द ग्लास दे डू नॉट वैनिश। अगर आपने ऐसे ही खाली ग्लास में अगर आपने वो बीट्स ऑफ पेपर या कलर्ड पेपर के पीसेस जो है वो डालें और उसमें पानी डाला, तब वो दिखेंगे क्योंकि वो ग्लास के अंदर होते हैं, ठीक है। तो वो पानी में हमें दिखते हैं, पहले वो बीट्स ऑफ पेपर पानी में डालिए, ग्लास में डालिए, देन उसमें पानी डालिए, तब वो दिखते हैं। बट जब आप ग्लास जो है पानी से भरा हुआ जब उस पर रखते हो टेबल पे, उस बीट्स ऑफ पेपर पे रखते हो, तब वो नहीं दिखते, वैनिश हो जाते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है वैनिशिंग ट्रिक्स, मीन्स टू डिसअपियर सडनली। ये ट्रिक्स जो है वो वैनिश करने की है। ओके, देन वी आर सी हियर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, मेक द पेपर रन। हम पेपर के छोटे छोटे बीट्स को इधर उधर भगाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा इसलिए, सी व्हाट यू नीड अ क्लीन सॉसर। पहले आपको क्या लेनी है, अ क्लीन सॉसर, देन वाटर पानी, देन पाउडर पेपर, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड सोप। आपको लिक्विड सोप का ड्रॉप लगेगा, लिक्विड सोप लगेगा आपको, देन वाटर पाउडर पेपर अ क्लीन सॉसर और एक क्लीन सॉसर लगेगी। ये सारी चीज़ें आप पहले कलेक्ट करो एक टेबल पे। देन आपको करना क्या है, व्हाट यू डू, सी पोर वाटर इनटू द सॉसर। पहले उस सॉसर में पानी डालिए और इस तरह से वो पानी उसके एज तक या किनारे तक आप भरिए। देन स्प्रिंकल पेपर इवनली ऑल ओवर द वाटर। और बाद में जो हमने क्या लिए थे, पाउडर्ड पेपर लिया था पेपर का, या फिर किसी भी बारीक बारीक टुकड़े जो है वो पेपर के, वो हम ले सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही हमने वो स्प्रिंकल पेपर इवनली ऑल ओवर द वाटर, और उस पानी पे आपको सेम ऐसे एक जैसे ही उस पानी पे वो पेपर जो है वो स्प्रिंकल करने हैं, छिड़कने हैं। देन पुट योर फिंगर इन द वाटर, व्हाट हैपन्स, नथिंग। बाद में आपको ये सब कुछ होने के बाद पहले आपको सॉसर में पानी लेना है, आफ्टर दैट उस पर वो पेपर पाउडर जो है वो ऐसे स्प्रिंकल करना है। देन पुट योर फिंगर इन द वाटर, व्हाट हैपन्स, नथिंग। बाद में आप अपनी सिंपल उंगली जो है, फिंगर जो है वो उसमें डुबो के देखिए क्या हुआ, कुछ भी नहीं, नथिंग विल हैपन देयर। बाद में आपको क्या करना है, सी नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड सोप ऑन योर फिंगर। इस तरह से आप लिक्विड सोप का ड्रॉप जो है वो अपने उंगली पे लीजिए। देन डीप द सेम फिंगर इन द वाटर, और जैसे आपने पहले डुबोया था वैसा ही वो लिक्विड वाला जो फिंगर है वो उसमें डीप कीजिए, डुबोइए। बाद में आपको क्या दिखेगा, व्हाट हैपन्स, वॉच एज ऑल द पेपर्स रशेस ऑफ द एज ऑफ द सॉसर। आपको ये दिखेगा कि सारे जो वो बीट्स ऑफ पेपर है छोटे छोटे, वो पेपर का जो पाउडर है वो इधर उधर पूरा किनारे पे लग जाएगा, वो पूरा उस सॉसर के एज पे या किनारे पे लग जाएगा। आप किनारे पे भी वो वैसे ही उंगली डीप कर सकते हो तो वो कुछ दूसरे साइड में लग जाएगा। और ऐसे ही आप कहीं पे भी उस सॉसर के पानी में अगर आपका फिंगर डीप करोगे तो वो इधर उधर ऐसे आपके उंगली के दूर
आपके उंगली जहाँ पे भी डीप होगी वहाँ से वो दूर 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 ऐसे लगेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एक गेम की तरह भी आप खेल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे दो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आप घर पे भी इसको ज़रूर ट्राई करना चाहोगे। देन आप बन जाओगे यंग साइंटिस्ट, छोटे साइंटिस्ट, ओके। ऐसे ही हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। इस दो चीज़ों के अलावा या इस दो एक्सपेरिमेंट के अलावा भी आप कुछ नया और कुछ बेहतर भी कर सकते हो। पहले आप ये करके देखिए घर पे और बाद में आप कुछ इसी तरह के न्यू एक्सपेरिमेंट्स देखिए और वो भी करके देखिए। ये लेसन जो है वो पूरा एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए एंड ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आप घर पे करिए। ओके, थैंक यू।